हाय हेलो, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल फेरोज होम व्लॉग्स। आज हम आलू पराठा फ्राइड डिफरेंट तरीके से, कभी आलू पराठा चपाती वो ये नहीं बोले सर का, आलू पराठा फ्राई किस तरह बनाना की देखेंगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। 2 कप गेहूं का आटा, 1 टीस्पून साल्ट, स्वाद अनुसार डालो, थोड़ा पानी मिलाते हुआ इसको चपाती डो किस तरह मिला लेती कि उस तरह मिला ले को रख लेंगे। इसमें ऑयल, घी, बटर क्या भी डालने की जरूरत नहीं, जस्ट साल्ट, वाटर, आटा, ये तीन मिक्स कर को रख लेंगे। चपाती आटे को इस तरह सॉफ्ट डो में कर ले को, एक 10 मिनट्स तक हमें इसको ढक्कन लगा को साइड में रख लेंगे। आलू मसाला बनाने के वास्ते चूल्हे को एक कड़ाई रख लें, इसमें आको 2 टीस्पून ऑयल डालेंगे। ये ऑयल थोड़ा हीट होने दें, ऑयल हीट हो चुका है, इसमें 1/2 टीस्पून जीरा, 1/2 टीस्पून रायन डालने को इसको फ्यू सेकंड्स फ्राई होने देंगे। 1 स्लाइस्ड ऑनियन, 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, बारीक कटा हुआ करेपाक, बारीक कटी हुई कोथिमीर, 1/2 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1/2 टीस्पून पुदीना, 2 मिनट्स तक इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ये प्याज ये सब बोलने के नरम पड़ जाना। बॉईल करको रख ले सो, 2 आलू को इसमें डाल लेंगे, 1/2 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, पिंच ऑफ हल्दी, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून पाव भाजी मसाला, स्वाद अनुसार नमक, इसको अच्छे से स्मैश कर लेंगे। वीडियो में दिखाती हैं इस तरह इसको अच्छे से मसालों के साथ इस तरह स्मैश कर लेना। यह हमारा आलू मसाला बोलने का रेडी हो चुका है, इसका फ्लेम ऑफ कर डाल को इसको ठंडा होने के लिए 10 मिनट रख डालेंगे। 10 मिनट के बाद हमारा आटा बोलने का अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है, इसको साइड में रख ले को इस तरह, और एक बार अच्छे से इसको गून लेंगे। गून लेने के बाद इसको इस तरह हल्के से, पूरे बड़े बड़े नहीं, पूरे छोटे छोटे नहीं, इस तरह मीडियम में काढ़े को पूरे पार्ट्स इस तरह साइड में रख लेंगे। इसको पूरा एक प्लेट में, एक बाउल में को सर्व कर लेंगे। इसको साइड में रख ले को, बेस को थोड़ा सूखा आटा डाल को इसको इस तरह हल्के से, चपाती किस तरह बेल लेती कि इस तरह हल्के से रोल कर लेना, पूरा पतला नहीं, पूरा दल नहीं बोले सर का, एक मीडियम में बेल ले को रख लेना इसे। इस तरह बेले सो चपाती को एक प्लेट में को निकाल ले को रख लेंगे, बाकी के पूरे बचे सो इस तरह चपाती इसको बना ले को रख लेंगे। इस तरह बेले को रख ले सो, इसको हमें पका ले सो आलू को इसको अप्लाई कर लेंगे। इस तरह हाफ आलू को अप्लाई कर ले तो बस, हाफ पार्ट मैं वीडियो में दिखाती हूँ। इस तरह हल्के से पूरे हाफ पार्ट को आलू बोलने का अप्लाई कर लेना, बचा सो यह हाफ पार्ट इसको इस तरह क्लोज कर डालना, पूरे साइड्स को इस तरह क्लोज कर डालना, साइड्स में इस तरह पूरे ईट से हल्के से इसको प्रेस कर लेंगे। वीडियो में देखते हैं, इस तरह हल्के से प्रेस कर ले को साइड में एक प्लेट में रख लेंगे। इस तरह पूरे वीडियो में देखते हैं, इस तरह बेल ले को रख लेना। अब इसको कैसा फ्राई कर लेंगे, कैसा रोस्ट करना की देखेंगे। चूल्हे पर पैन रख ली, इसको हीट होने देंगे। ये पैन बोलने का हीट हो चुका है, इसमें हमें इस तरह बेल ले सो आलू पराठा को इसमें डाल ले को 2 साइड्स रोस्ट कर लेंगे। इस तरह इसको 2 साइड्स बोलने का फ्राई कर लेना, जस्ट नॉर्मल फ्राई, इस तरह बबुल्स है सर का फ्राई कर ले को रख लेना, ऑयल क्या लगाने की जरूरत नहीं, इसे फ्राई कर ले को एक प्लेट में को सर्व कर लेंगे। अच्छा 2 साइड्स रोस्ट हो गया, ये इसको एक प्लेट में इस तरह सर्व कर को रख लेंगे। बाकी के बचे सो पराठे को भी इस तरह 2 साइड्स रोस्ट कर ले को रख लेंगे। इस तरह हमें रोस्ट करको रख ले सो आलू पराठे को। वीडियो में दिखाते हैं, इस तरह हमें स्लाइड्स में कट कर लेना। बड़ी रोटी है तो 4 कर लो, ये छोटे छोटे है तो इनका इस तरह ऐसे 3 पार्ट्स इस तरह अलग रख लेना। अब वीडियो में देखते हैं, ये बच्चों के लिए हेल्थी स्नैक्स होता है, कभी एक ही रकम के नहीं सर का, चपाती, फुलके, आलू वैसा नहीं सर का, ये एक डिफरेंट टाइप, मिनिमम मैक्सिमम यहाँ को आलू परोठा टाइप क्या बोलते, ये आलू परोठा फ्राई है कैसा की देखेंगे। इस तरह पूरे बाकी के बच्चे सो कट कर ले को रख लेंगे। एक बाउल ले ली, इसमें
पाव कप मैदा, हाफ टी स्पून साल्ट, एक अंडा, पाव टी स्पून रेड चिल्ली पाउडर, थोड़ी कोथिमीर। ये सब डाले बाद इसको ये अंडा आटे में सब अच्छे से मिक्स हो जाना। इसमें थोड़ा वाटर ऐड करके इसको मिक्स करेंगे। इस तरह इसको ये आटे को अंडे को इस तरह बीट कर लेना। पूरा थिक कंसिस्टेंसी नहीं है ना, पूरा लूज कंसिस्टेंसी नहीं है ना, तो वीडियो में इस कंसिस्टेंसी में है ना। इसको मिक्स कर ले को फ्यू सेकंड्स बाजू को रख लेंगे। ऑयल हमें डीप फ्राई के वास्ते रख लें। ये ऑयल बोलने का डीप फ्राई हो चुका है। ये एग मैदा बैटर में हमें परोटा फ्राई कर ले सो इसको इस तरह डिप करना। डिप कर को ये डीप फ्राई हुआ है सो ऑयल में इस तरह दाल को फ्राई कर लेना। ये जस्ट लाइट गोल्डन कलर आया था का पका ले तो बस। ये आलू फ्राई बोलने के अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। आप देखते हैं तो ये अच्छे से फुली है वीडियो में देखे तो। इसको अब हम एक प्लेट में को सर्व कर लेंगे। बाकी के बचे सो आलू पराठा को भी इस तरह आलू में फ्राई कर लेंगे। ये हमारे आलू पराठा फ्राई बोलने के रेडी हो चुके हैं। ये इवनिंग स्नैक्स, ये हेल्थी स्नैक्स बच्चों को इवनिंग टाइम में पका को खिलाई जाए। ये तुम्हें भी ट्राई करो कैसा है कि मेरे को ज़रूर कमेंट्स में बताओ। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सपोर्ट करो, कमेंट्स करो। थैंक यू सो मच विथ योर फेरोज होम व्लॉग्स।